गाइस, आई एम रिया। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। बहुत दिनों बाद मैं फिर से आज कुछ वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इस वजह से वीडियो बनाने का उतना ज़्यादा वक्त नहीं मिल पा रहा है। किस वजह से क्या है वो भी मैं आपको धीरे धीरे आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। पर आज है 3rd फे एंड आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो मैंने सोचा आज का दिन का वीडियो बनाना तो बनता है एंड वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल बनता है। आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। आज क्या स्पेशल डे है वो है ये कि आज 3rd फेब है एंड 2020 में 3rd फेब को मेरा और राणा का एंगेजमेंट प्लस रजिस्ट्री हुआ था। तो आज पूरा 2 साल हो गया कि हम लोग लीगली मैरिड हैं, पर फर्स्ट जो साल था उस साल तो यानी 2021 में हम लोगों ने एक साथ ये दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे हम लोग, क्योंकि तभी हमारा सोशल मैरिज होना बाकी था जो मार्च में है। वो भी आप लोगों को पता चलेगा कि उस दिन का क्या प्लान है नहीं है। मार्च में है, इस वजह से राणा फरवरी में नहीं आ सकते थे क्योंकि छुट्टी का एक मैटर होता है, उनको छुट्टी ऐसे नहीं मिलती। इस वजह से वो नहीं आ पाए थे क्योंकि उनको 15-20 दिन बाद हमारे वेडिंग के लिए ही आना था। तो उस साल तो हमारा फर्स्ट साल मिस हो गया था। इस साल हम लोग एक साथ है एंड इस साल हम लोग कोशिश करेंगे इसको अच्छे से सेलिब्रेट करने को। ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगे क्योंकि एक महीने बाद 5th मार्च को ही हमारा सोशल मैरिज एनिवर्सरी है, 1st एनिवर्सरी। तो उस दिन देखते हैं क्या किया जा सकता है, पर आज थोड़ा कुछ तो बनता है। कल रात को मैंने छोटा सा राणा के लिए सरप्राइज प्लान किया था, पर उस चीज़ का मैंने पूरा वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि राणा घर पे ही थे पर वो दूसरे रूम में थे, तो वो इसकी भनक ना लगे उसको, तो मैंने जल्दी जल्दी सारा कुछ किया। इस वजह से मैंने पूरा वीडियो मैं नहीं कर पाई, बिकॉज़ अगर मैं वीडियो बनाना शुरू करती तो उनको पता चल जाता। पर मैंने छोटा सा मैंने कैसे डेकोर किया उसका मैंने एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया है, वो मैं इसके बाद आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। यानी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी, तो आप लोग देखना। एंड आज का जो सेलिब्रेशन है वो तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही रही हूँ। ये व्लॉग शूट करने में मैं जितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड खुश हूँ क्योंकि कुछ स्पेशल डे अगर मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कि बोलते हैं ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इस वजह से एंड मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आई होप मुझे ये वीडियो शूट करने में जितनी ज़्यादा खुशी हो रही है आपको भी ये वीडियो देखने में उतना ही अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा जो सरप्राइज मैंने राणा के लिए कल रात को प्लान किया था। बहुत ही नॉर्मल सा है पर भावनाएं फीलिंग्स मैटर करती है ना। ये रहा। एंड अभी 5 बज गए हैं। राणा आएंगे 6:30 बजे, फिर रेडी होंगे फिर जाएंगे। तो आज का व्लॉग मैं इवनिंग को ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह मुझे बिल्कुल मैं इतना लेज़ी टाइप फील कर रही थी ना कि वीडियो नहीं कर पाई मैं। ठीक है, कुछ थोड़ा सा खाना वाना बनाया एंड फिर सो गई। राणा ड्यूटी चले गए, अभी तक मैं सोई हुई थी, इतना ज़्यादा नींद आ रही थी। ठीक है, फिर मैंने बोला नहीं रिया बोट आज का व्लॉग बनाना है तेरे को, मैं अभी व्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ। एंड चलिए, शाम का वक्त है तो चाय पीना तो बनता है एंड वो भी मेरे छत पे जाके। तो जल्दी जल्दी चाय बनाती हूँ, फिर राणा आएंगे, फिर रेडी होंगी, फिर निकलूँगी। मैंने चाय का पानी बिठा दिया है, तब तक चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगी। ये रही मेरी ड्रेस जो आज मैं पहनूंगी। चाय मेरी बन चुकी है, तो चलिए अभी जाते हैं छत पे एंड चाय को एंजॉय करते हैं।
सो हम लोग अभी तैयार हो गए हैं, अभी डिनर के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने तय नहीं किया किधर जाना है। इसको देख लीजिए, ये मैंने गिफ्ट किया है एंड ये ड्रेस इसने। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, कहाँ जाना है कुछ तय नहीं हुआ है, जाने के बाद ही पता चलेगा, यानी जाते हुए जो अच्छा लगेगा उधर ही चले जाएंगे। तो अभी निकलते हैं, बहुत लेट हो चुकी है ऑलरेडी, तो चलिए निकलते हैं। अच्छा है, ये गार्डन रेस्टोरेंट है, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बढ़िया, तो बढ़िया है। खाना ऑर्डर करते हैं, खाना कैसा? हाँ अभी तो खाना ऑर्डर नहीं किया है, पता नहीं, मैं पूरा रेस्टोरेंट दिखा लूँगी, पहले खाना ऑर्डर कर लूँ उसके बाद। ओके ये देखो, इधर शायद किसी का बर्थडे था तो ये डेकोरेशन हुआ है शायद, पता नहीं। खाली खाली है, कोविड के लिए तो अच्छा है, बहुत खाली खाली है। एंड ये जाना भी है, देखो अभी मेनू देख रहे हैं। क्या सोचा, क्या ऑर्डर करोगे? करना तो नॉन वेज ही है, नॉन वेज में तुम बताओ तुम्हारा अगर कुछ। एक्चुअली बात ये है कि मैं जब भी कुछ ऑर्डर करती हूँ तो वेज ऐसा नहीं है, वैसे कुछ रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट डिफर करता है, फिर भी उनका ओपिनियन थोड़ा चाहिए होता है, क्योंकि खाना दोनों का तो ओपिनियन भी चाहिए। तो तुम्हारा मतलब थोड़ा बहुत बता दो किसके अंदर तुम खाना चाहते हो, बारबेक्यू या टिक्का तंदूरी? तो तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो आज? ये लोग सोचेंगे कि क्या हो गया, जबरदस्ती मैंने तुमको इधर लेके आई। एकदम ही पता चल जाता है क्या वीडियो? तो हम लोगों ने मेनू ऑर्डर कर लिया है, अब लोगों को दिखाऊंगी क्या ऑर्डर किया है ऑफिस में। सबसे रेस्टोरेंट में आने के बाद ना, सबसे जो मुश्किल काम होता है ये मेनू ऑर्डर करना ही होता है। बाकी खाना एक बार आ जाए तो फिर दबा के खाओ, जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि जब तक खाना ऑर्डर नहीं किया, क्या ऑर्डर करें, कैसा बनेगा। कुछ अलग अलग डिशेस है, जैसे यहाँ पे डिश है जैसा अल्फाम, ये बर्बीक्यू सेगमेंट में आता है अल्फाम, तो अवेलेबल नहीं है। हाँ ये हमने ऑर्डर करने के लिए कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया, पर इन्होंने बोला कि अवेलेबल अभी है नहीं, बर्बीक्यू का वो सेगमेंट अवेलेबल नहीं है, दूसरा है। तो हमने प्लेन बर्बीक्यू ऑर्डर किया, तो कुछ नया खाने का टाइम हम ट्राई करते हैं नॉन वेज में ऑब्वियसली, पर देखते हैं अभी जो ऑर्डर किया वो सही से आ जाए बस। और वन थिंग, ये जगह हमने नेट में सर्च करके सोचा कि इधर आए, पता नहीं कैसा होगा खाना, ठीक है क्या क्वांटिटी मिलेगी, क्या टेस्ट होगा, कुछ नहीं पता। यू भी हम लोग आ गए इधर, हम लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग तो वैसे खाना बाहर जो मतलब गाड़ी लेकर निकलते हैं, और जो रेस्टोरेंट सामने आया उसमें हम बैठ जाते हैं जो अच्छा दिखने में। पर ये क्या है कि ये हमारे घर से करीबन करीबन 15 किलोमीटर दूर पे है, तो 15 किलोमीटर दूर पे, तो हम गूगल में सर्च किए थे कि कुछ अच्छा एम्बियंस मिले, कुछ अच्छा मतलब ये मिले जहाँ पे हम बैठ के खाना भी खा सकते हैं और कुछ एम्बियंस भी अच्छा हो, तो हमें ये वाला दिखा।
तो आ गए हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट करने। अब एक्सपेरिमेंट फ्लॉप जाएगा या हिट होगा ये तो पता नहीं, खाना आने के बाद पता चलेगा। पर हाँ यहाँ का जो ना एक बात ये है कि यहाँ पे मेनली मैं जब अभी 3 साल हो गया मेरा साउथ इंडिया में रहते हुए, तो यहाँ पे मैंने देखा कि नॉन वेज डिशेस तो ये लोग अच्छे ही बनाते हैं। तब कहीं पे भी जाओ मोर ऑर लेस ये अच्छे बनाते हैं, बाकी बहुत ही कम जगह ऐसा रहा है जो हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा होगा कि वहाँ पे खाने का। मोस्टली बैड एक्सपीरियंस उनकी जो सर्विंग क्वालिटी है उनके ऊपर रहा है, खाने के लेके उतना ख़राब एक्सपीरियंस हमारा रहा नहीं। देखते हैं अभी क्या होता है। एंड मैं दिखाती हूँ आपको, इधर अपोजिट साइड में शायद कुछ का बर्थडे या कुछ सेलिब्रेशन होगा, तो अच्छी तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोर किया हुआ है। मेरा मतलब है कि इधर ऐसे भी सेलिब्रेशन वगैरह अगर आप कोई इधर रहता है तो करना चाहे तो अच्छा है उसके लिए ना, ओपन प्लेस है एंड ये लोग डेकोर वगैरह कर भी देते हैं शायद। एकदम उनको पहले से बता देंगे तो ये बढ़िया से डेकोर कर देते हैं। ये रहा हमारा डिनर, ये है बारबेक्यू चिकन, बटर चिकन, मिक्स फ्राइड राइस एंड बटर नन, सब कुछ बटर बटर बटर। अभी हम लोग जल्दी जल्दी खाते हैं वरना ठंडा हो जाएगा, एंड ठंडा खाने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है। यहाँ पे ना एक चीज़ है कि यहाँ पे कहीं पे भी स्पून वगैरह सर्व नहीं होता खाने के साथ। अब जितने भी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ आपको हाथ से ही खाना पड़ेगा। अगर आप अलग से मांगो तो वो अलग बात है, पर हम लोग मांगते नहीं क्योंकि हाथ से खाने का जो मज़ा है वो स्पून से खा। तो ये जना क्या कर रहे हैं देखो। सर मैं हम लोगों का आज जो प्लान था कि बाहर खाना खाने का, तो चलो ठीक है हम आ गए, पर एक चीज़ और मतलब अच्छा हुआ कि हमें और एक ज्वाइन कर दिए, तो हम अभी यहाँ पे 2 नहीं 3 एक साथ डिनर कर रहे हैं। ये हमारा एक हम दो और ये देखो ये है अपना तीसरा, एकदम बैठा हुआ है धीरे धीरे स्टार्टर चेक कर रहा है, मेन कोर्स चेक कर रहा है और एक्सप्रेशन भी दे रहा है कैसे बन रहा है। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स बट ही लव्स डॉग, इसको नींद भी आ रहा है तो इतना अच्छा खाना खा के ना थोड़ा नींद आ रहा है। हाँ इसको नींद आ रही है ना, तो अभी ये गोदी में इसको सुलाएगा लोरी गा के। अगर ऐसा ड्रेस में नहीं होता तो वो मतलब थोड़ा बड़ा है कुत्ता, उसको गोदी में नहीं उठा सकते, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम उसको सोच रहे हैं कि गाड़ी में बैठा के लेके चले जाए। पर ये गाड़ी ये नहीं रहेगा उस कार में, मैं चला के चली जाऊँगी। अच्छा तू इसको लेके चली जाएगी इसको एंड इसके कुत्ते को मैं इधर छोड़ के मैं खुद कार लेके चली जाऊँगी, ये घर आएगा इसके पीठ में बैठ के ये घोड़ा नहीं है जान लेगी क्या इसके तो हमारा डिनर हो गया है, अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी जाएंगे घर, और कुछ प्लान तो नहीं है। और ये तो आ चुका है, मेरा पर्सनल ड्राइवर से मिली है आप लोग। ये है मेरा पर्सनल ड्राइवर। ऐसे तो ड्राइविंग मुझे भी आती है पर कभी कभी मैं इसको चलाने दे देता हूँ। थैंक गॉड कि वो मुझे चलाने देती है ये तो हम कल सुबह पहुंचते घर। ये वही ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी चलनी है। नहीं आई एम जोकिंग, आज रात तक तो पहुंच ही गया, तो रात तो हो ही गया पहुंच गया। शी इज अ गुड ड्राइवर नो।
पहुंच गए हैं। अभी देखो रात के कितने बजे, 11 बजने वाले हैं, ये देखो। एंड हम लोग तो आज बहुत इंजॉय किए हैं। आई होप आपको भी व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, स्टे सेफ स्टे हैप्पी, टाटा।